छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक शिवरतन शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पीएम मोदी के सिर फोड़ने वाले बयान के बाद फिर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी को डिफाल्टर कहकर महंत ने राजनीतिक शुचिता की सारी हदें तोड़ दी है। इसकी शिकायत के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर उन पर FIR दर्ज किया गया है। शिवरतन शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग की हिदायत के बाद भी महंत और कांग्रेस पार्टी के नेता आए दिन पीएम मोदी को सिर फोड़ने, गाली देने सहित अन्य व्यक्तित्व को लेकर अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए चरणदास महंत जी, आप कब माफी मांगेंगे? पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य हो रहे हैं, मोदी जी की जो लहर चल रही है उसे पूरी तरह कांग्रेस को बौखला रहे हैं और बौखला कर मर्यादा विहीन बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे ही एक विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शिवरतन शर्मा जी उपस्थित हैं। साथ में है भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता श्री केदार गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिले के मीडिया प्रभारी श्री राहुल राव जी। आप मैं शर्मा जी श्रीवता जी से अनुरोध करूंगा कि तो पत्रकार वार्ता प्रारंभ कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं आज दो अलग अलग स्थानों पर सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष जो पूर्व में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हमने देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति डिफाल्टर शब्द बताए। वहीं बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी एक सभा में वहां के युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो तीर लेकर पुलिस बलों को मारे। माननीय हमारे घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख था कि पहली कैबिनेट छत्तीसगढ़ के बचे हुए सारे प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृत करेगी और पहली कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए। रेणू पत्ता खोलने की जो अंतर की राशि थी 555 करोड़ रूपये प्रति मानक हुआ, उसको देने का हम निर्णय कर चुके। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 655 करोड़ रूपये प्रतिमाह दूसरे महीने की किस्त हम छत्तीसगढ़ की मां बहनों के खाते में डाल दिए। चरणदास जी, कवासी लखमा जी और भूपेश जी को एक कांग्रेस के नेतृत्व से मैं पूछना चाहता हूं, गन्ने जब उठाकर शपथ लिए थे ना कि सरकार बनेगी तो शराब बंदी करेगी, बात कल कर पाए? चरणदास जी में हिम्मत है जो भूपेश बघेल जी को डिफाल्टर कह सके? घोषण पत्र में इस बात को कहा था ना कि निराश्रित पेंशन को बढ़ाकर 1000 रूपये करेंगे। मैं चरणदास जी से पूछना चाहता हूं, वो कहेंगे भूपेश डिफाल्टर था इसलिए पूरा नहीं कर पाए? महिला स्व सहायता समूह में कर्ज माफ करने की बात 2018 के घोषणा पत्र में भूपेश जी ने कही थी। मैं महेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि सार्वजनिक रूप से कहेंगे क्या कि भूपेश बघेल की सरकार डिफाल्टर सरकार की इसलिए काम नहीं कर पाए? घर पे पत्थर देखने के पहले जरा अपने घर को देख लो, अपने गिरेबान पे छाप लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं माननीय भूपेश जी से कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी जो मैंने कहा कि जो कहती है वो करती है, हमने जनता से जो वादे किए वो पूरे किए और जो बचे हैं उसको हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही सवारे और कांग्रेस किस बात की बात करती है? परसों उसका घोषणा पत्र जारी हुआ है ना, सरकार बनने पर हम ये करेंगे,
लड़ चुकी सीटों पर। अभी तक उनके 270 प्रत्याशी घोषित हुए हैं। पिछली बार 426 लड़े थे कमल जी, उसके पहले 462 लड़े थे 44। ना नमन तेल होगा ना राधा नाची। कांग्रेस का पूरा आज तक का एक मैप उठा के देती। मैं तो बहुत छोटा था, पूरा एकता का घोषणा पत्र मेरे को आज भी याद है, जो बहुत चर्चित था, गरीबी हटाओ भटी जा गई लगातार सरकार में बोले, पर दुर्भाग्यजनक स्थिति यह बन गई। ये राजनीतिक क्षेत्र में तो भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, ये भाषा की मर्यादा कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी तोड़ रहा है और कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व भी तोड़ रहा है। पिछले समय चौकीदार चोर इस शब्द का उपयोग किया था माननीय राहुल गांधी, और देश की जनता ने यह बताया कि मोदी जी का हर समर्थक चौकीदार है और देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। और चरणदास जी ने जब कहा कि मुड़ी तोड़ने वाला चाहिए, तो मोदी जी का हर समर्थक खड़ा है कि पहले मेरी मंजिल पर उत्तर मोदी को मारो। अगर मोदी जी को आप डिफॉल्टर कह रहे हो तो माननीय चरणदास जी और कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को यह बताना चाहिए कि आपने जो कहा उसमें कितना पूरा किया। डिफॉल्टर आप हो और उसकी बातें कुछ मैंने आपके सामने रखी है, और आपके माध्यम से माननीय चरणदास जी से फिर से कहना चाहता हूं कि मैंने जो बातें रखी है वो उपेश को या राहुल गांधी को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को डिफॉल्टर कहने का साथ दिखाई दे गया। बहुत बहुत धन्यवाद।